जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। चुड़ैल के कारण ना सारा दिन ही खराब हो गया हमारा। अरे संतोष जो बात होगी उसे क्या लेके बैठी है, बोल जाना। ना कह देती हूँ, अगर वो हमारे को पुष्कर में नीचे आई ना तो या तो वो जिएगी या मैं जिऊंगी। अरे सूरज भैया, अब संतोष जी ट्रेन जयपुर जा रही थी, जब हम पुष्कर में स्टेशन पर उतरे ना ये लड़की दिखी को नहीं, मैंने जयपुर गई होगी। संतोष तू जाने देना, बेकार में अपना खून ना गला। अरे अरे रोको, अरे रोको, दाई साहब के घर ले जा रहा क्या तू? राम जी चल। अरे राम के हो गया। आ गए घर संतोष। अरे छोटू खुश रहे। ये ले बेटा, ये सिंगदाना का और काना वाना ने भी खिला। रे छवि, रे इमली भिंडी, रे संध्या, बाबू संध्या भाभी से यहाँ पे कैसे आएंगी? आप अभी तो उन्हें हैदराबाद छोड़ के आई हैं। हाँ छोड़ो, वो आदत है ना, जाते जाते जावे। हम लोग तो सब यहाँ पे एक साथ हैं, मगर संध्या भाभी वो तो अकेली है ना वहाँ पे। नहीं उनका मन कैसे लग रहा होगा। पानी लेके आते। अली अभी हमने आते हुए देखा कि हमारी दुकान के बाहर चार पांच औरतें खड़ी हुई थी। ठाकुर जी की कृपा से दुकानदारी तो अच्छी चला ली तुमने। हाँ जी चेची, आपने और बड़ी जेठानी जी ने हमारी इतनी मदद की है तो दुकान तो अच्छी चलनी थी। भावो बड़ी जेठानी जैसा दिल तो लाखों में एक का होता है। आपको पता है भावो, जाते जाते भी उन्होंने अपनी सारी सहेलियों और जान पहचान वालों को मेरे पार्लर के बारे में बताते गई है। आधे से ज्यादा औरतें तो उन्हीं के बताने पर आई है। अरे संध्या बिंदनी है ही ऐसी। रे, रे मारी गिलेरी को नहीं दिख रही? रे कठे मीना बीनड़ी, ले थारी भाबो आ गई। कठे भाबो, छोटी जेठानी जी तो मुझे सुबह से नहीं दिखी। छवि तुमने देखा क्या? नहीं भाभी, इतने धन तो मैंने भी नहीं दिया, मुझे लगा कि काम से बचकर दुकान चली गई होंगी। क्यों विक्रम, बीनड़ी को मना किया था ना दुकान पर नहीं जाने के लिए, हा? उसने फिर दुकान पे जाना शुरू कर दिया। अरे नहीं बाबू, दुकान नहीं है वो, मायके गई है, अपने माँ के पास गई है अपने। मायके? सुखे काम पड़ गयो थारी सास, जो मीना ने अचानक जानो पड़ो। अब मैं भी घर पे ही थी, मुझे भी मालूम नहीं पड़ा कि भाभी कब चली गई। काना भी तो घर पे ही है। काना ने बैठे छोड़कर चली गई, थारे को बता कर गई है कि अइया ही चली गई। बाबू वो क्या है, वो उसकी ना माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो उसकी बहन की भी परीक्षा चल रही है, घर में किसी को तो होना चाहिए ना है देखभाल करने के लिए।
और बच्चे को ले जाना भी वहाँ पे ठीक नहीं था, उसकी माँ की तबीयत खराब है, बच्चे को भी लग सकती ना बीमारी, तो मैंने फिर काना को यहीं रख लिया। जी तो तूने ठीक किया। चलो संध्या बीनी भी टरेनी के वास्ते हैदराबाद चली गई, मीना बीनी भी माँ की सेवा में मायके चली गई। हमारा परिवार तो आधा ही हो गया ना, हमारे घर की तो सारी रौनक चली गई, घर एकदम सुना सुना सा लगे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।